तो गाइस पिछले 24 घंटों में WWE की तरफ से क्या न्यूज अपडेट और रूमर से आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइस कौन चैलेंज करेगा रॉमरिज को जब यहाँ पर रॉमरिज स्मैकडाउन से रॉ पर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो से ज्यादा भी दिन हो चुके हैं रॉमरिज को यहाँ पर सिंगल मैच जीते हुए। और गाइस ये तीन ऐसे रेसलर है जिनको यहाँ पर ऑफिशियली WWE की तरफ से नेटफ्लिक्स पर फीचर किया गया है। उसके बाद गाइस कोडी रोड नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं यहाँ पर टॉप 500 में से। उसके बाद यहाँ पर WWE की तरफ से क्या ऑफिशियली न्यूज है आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइस सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे ही न्यूज एंड अपडेट देखने के लिए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जो कि ऑफिशियली यहां पर ट्रिपल एच के द्वारा ऑफिशियली ये कंफर्म किया गया है। वैसे गाइस जो यहां पर रॉ का यहां पर लाइव होता था वो 3 घंटे लगातार होता था, अब यहां पर 2 ही घंटे होगा यहां पर, ऐसा ट्रिपल एच का मानना है। वैसे गाइस इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है यहां पर नेटफ्लिक्स। उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप के बारे में। इस बार के जो मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप है वो है 1.43 मिलियन व्यूअरशिप। और गाइस अगर कंपेयर करें पिछले मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप से तो वो था 1.65 मिलियन व्यूअरशिप। उसके बाद गाइस नेक्स्ट जैसा कि हमने कल की वीडियो में देखा कि यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो को काफी समय हो चुके हैं यहाँ पर लास्ट मैच जीते हुए, पर क्या आपको पता है रॉमरिज को उससे भी ज्यादा दिन हो गए 1-on-1 मैच जीते हुए, लगभग यहाँ पर 311 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। उसके बाद गाइस जैसा कि आप जानते हैं कल के मंडे नाइट रॉ पे यहाँ पर ब्रेट हार्ट को यहाँ पर फीचर किया गया था। कुंथर ने ब्रेट हार्ट से बताया कि उनका यहाँ पर जो फेवरेट रेसलर है वो है यहाँ पर बिल गोल्डबर्ग। तो गाइस जैसा कि मैंने इंट्रो में ही बता दिया था आपको, तीन ये रेसलर होने वाले हैं जो यहाँ पर नेटफ्लिक्स पर फीचर हुए हैं। मिस्टर रॉमरिज और दीरा यहाँ पर स्मैकडाउन पर फीचर होंगे। उसके बाद यहाँ पर जॉन सीना अकेले ही यहाँ पर रॉ को कवर करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आने वाले समय में ये 5 रेसलर ऐसे होने वाले जो रॉमरिज के अगले चैलेंजर्स होंगे, जैसे कि सीएम पंक हो जाएंगे, गुंथर हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं ब्रॉन ब्रेकर। उसके बाद गाइस नेक्स्ट कोडी रोड इस समय नंबर 1 रेसलर बन चुके हैं PWI यानी कि प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री का। उसके बाद गाइस नेक्स्ट रूमर है लॉगन पॉल को लेकर। लॉगन पॉल और केविन नैश के बीच इस समय काफी रूमर्स चल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर लॉगन पॉल का ऐसा मानना कि वो केविन नैश से काफी ही बेटर हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अब तक का सबसे बड़ा रूमर्स ये है कि यहाँ पर पॉल हीमन एक और समोन रेसलर को लेने वाले हैं यहाँ पर WWE में। वो रेसलर होगा जो यहाँ पर रॉमरिज का साथ देने वाला है। वैसे आपको यहाँ पर ये स्टेच्यू देखकर आपको किस रेसलर का नाम याद आ रहा है? फिलहाल गाइस इस समय चार्लोट फ्लेयर को लेकर काफी बढ़िया न्यूज आ रहा है कि इनका अभी रिटर्न देखने को जल्द ही मिलने वाला है स्मैकडाउन पर। इस बार स्मैकडाउन पर इनका यहाँ पर रिटर्न नहीं होता तो अगले स्मैकडाउन पर पक्का रिटर्न होने वाला है चार्लोट फ्लेयर का। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर रॉमरिज से पूछा जाता है कि आपको हील बनना पसंद है या फिर बेबी फेस, तो उनका ऐसा मानना है कि वो बेबी फेस बनना पसंद करेंगे। वैसे गाइस यहाँ पर बेबी फेस बनने के लिए रॉमरिज को काफी आसान होगा, फिर देखना ये होगा कि आखिर कब देखने को मिलता है ये वाला। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर कोडी रोड को लेकर। कोडी रोड के बारे में इस समय ऐसा बताया जा रहा है कि जैकोब फातो उनका यहाँ पर नेक्स्ट अपोनेंट होंगे बैड ब्लड लाइन में। उसके बाद अगर बात करें बैड ब्लड की तो अब तक के 3 मैचेस जो कि ऑफिशियली यहाँ पर WWE की तरफ से कन्फर्म हुए हैं, तो पहला मैच आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है हेल इन ए सेल में यहाँ पर सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मैच देखने को मिल सकता है लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिपली के बीच WWE वीमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद यहाँ पर लास्ट मैच आपको देखने को मिल सकता है डेमियन प्रिस्ट वर्सेस यहाँ पर फिन बैलर के बीच। तो गाइस ये रहे WWE की तरफ से न्यूज अपडेट और रूमर्स जो कि आपको देखने को मिले 24 घंटों में WWE की तरफ से। तो फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।